जाति के आधार पर जनगणना करवाने की मांग को लेकर आज बिहार के 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जाति की जनगणना को बेहद जरूरी बताया, लेकिन जेडीयू और आरजेडी की ये जुगलबंदी बीजेपी को तनिक भी रास नहीं आ रही। उन्होंने इस बारे में कोई चीज डिनाई नहीं किया है, गंभीरता से हमारी बात को उन्होंने सुना है, उन लोगों की बात बहुत गंभीरता से सुनी। स्पष्ट था कि उन्होंने ऐसा ना कुछ नहीं बोला है, सभी बात को सुने हैं। और पीएम मोदी ने इनकार नहीं किया ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन इकरार क्या किया ये किसी ने नहीं बताया। बिहार से 10 पार्टियों के 11 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी नेताओं ने दावा किया कि पीएम मोदी ने उनकी बातें गंभीरता से सुनी, वो इस मुद्दे पर सकारात्मक दिखे, जिससे सबको ये भरोसा भी हो गया कि प्रधानमंत्री जाति के आधार पर जनगणना कराने को लेकर जल्द ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन ये फैसला कब होगा, क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ सबकी बात सुनी, और सबकी बात जब सुन लिए हैं तो आखिरकार समय उन्होंने दिया है और सबकी बात सुन ही लिए तो निर्णय तो उनको लेना है, लेकिन बात तो सबका सुने है ना। देखिए, ये सब बात कौन क्या कहता है उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना, ये तो सर्वसम्मति की चीज है। जातीय जनगणना होने से ये नेशनल इंटरेस्ट में है, जो लोग गरीब हैं, निचले पैदान पे रहने वाले लोग हैं, समाज जो है उनके लिए विकासकारी योजना, बजट में प्रोविजन, ये सारे काम होंगे। और आपके पास, किसी भी सरकार के पास जो है, साइंटिफिक डेटा नहीं है। न्यूज 24 से खास बातचीत में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात से संतुष्ट दिखे। लोगों ने अपनी बात रख दी है और पूरी गंभीरता से किया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई चीज डिनाई नहीं किया है। ये बात सबकी बात बहुत गौर से सुना है और ध्यान से सुना है, सब बात किया है हम लोग, ये सारी बातें हुई है। अगर एक बार अगर हो जाएगा कास्ट बेस्ड सेंसस तो आज जो मिला हुआ है, जिस प्रकार से लोगों को सुविधा मिलती है, उसमें पूरे तौर पर बिल्कुल जब आंकड़े सामने आ जाएंगे तो उसी के अनुरूप लोगों को सुविधाएं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने न्यूज 24 से खास बातचीत में दावा किया कि जातीय जनगणना की मांग सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। जब पेड़ों की, जानवरों की गिनती हो रही है, जब SC ST का, माइनॉरिटीज के, रिलीजन का, सब लोगों की गिनती हो रही है, तो इसमें भी होना चाहिए। हालांकि निर्णय जो भी हो, ये तो कोई बिहार के संदर्भ में केवल नहीं थे, ये तो पूरे देश की मांग को लेकर के हम लोग गए थे और नेशनल इंटरेस्ट में था। अगर फिर भी नहीं होता है तो हम तो, जब नीतीश कुमार जी इंटरेस्टेड हैं, अगर नहीं हुआ बाई चांस तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने राज्य का तो करा ही सकती है। न्यूज 24 से बातचीत में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ये तो महज शुरुआत है, आगे दलितों का आरक्षण बढ़ाने की मांग भी जोर शोर से उठाई जाएगी। ये बिहार का मामला है, समूचे हिंदुस्तान का मामला है, और विशेष करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में हमने कहा। अभी 10-16% आरक्षण दिया जाता है, जबकि जनसंख्या बिहार में उनकी 25% है, तो जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा। सत्ताधारी JDU, VIP और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा समेत तमाम विपक्षी दलों ने जातीय जनगणना की पुरजोर वकालत की, तो साथ ही इस मुहिम की अगुवाई के लिए CM नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया। हम उम्मीद लेके जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी पार्टी ने बात को मजबूती से रखे हैं, तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे सोचेंगे। जातीय आधार पे जनगणना बहुत जरूरी है, अगर आप जानोगे नहीं कि किस राज्य में किस किस जाति के लोग कितने हैं, तो फिर आप कैसे उसको रिजर्वेशन आरक्षण, इसका क्या मतलब है जाति आरक्षण के लिए। जो बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने रखा, हम तब सभी लोगों ने मिलकर उसका सपोर्ट किया और अपनी बात को भी रखा। लेकिन सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी BJP नीतीश की सियासत से भड़क उठी। BJP विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री जनक राम ने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर ही निशाना साध दिया। आपका कहना ये सही है, ये 5 साल के लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने अपना मत देती है, तो देश का नेता नरेंद्र मोदी जी को जनता चुनी है, 1 अरब 30 करोड़ जनता जब चुन के बैठा दिया है, तो ये निर्णय तो प्रधानमंत्री जी को करना है। ये जनता भली भांति समझ रही है, कोई बिहार में या देश में विपक्ष में बैठे नेता अटकाते हैं भटकाते हैं, ये जनता समझ रही है। जाति आधारित जनगणना BJP के लिए ऐसा मुद्दा है जिसे न तो निकलना आसान है न ही उगलना।
यही वजह है कि ना चाहते हुए भी बिहार बीजेपी को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में अपना सदस्य भेजना पड़ा। बिहार बीजेपी भी इस मुद्दे पर साफ साफ बटी हुई नजर आ रही है। ज्यादातर नेता जाति जनगणना के खिलाफ है, लेकिन पार्टी के कई ओबीसी नेता इसके पक्ष में दिख रहे हैं। पटना से सौरभ कुमार और दिल्ली से ऋषिकेश कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली न्यूज 24।